मंगलवार का दिन एलओजी आईजी दिनेश एमएन के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। सौरभबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में मुंबई की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इसके साथ ही गुजरात के पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा को भी राहत देते हुए बरी कर दिया गया। इन दोनों ही अधिकारियों ने कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेश की थी। कोर्ट ने आईजी दिनेश एमएन के बरी होने के साथ ही उनके समर्थक और प्रशंसक खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जय हिंद लिखा। इस मामले में एसआई नारायण सिंह, कांस्टेबल युद्धवीर व करतार के मामले सुनवाई निलंबित है। बता दें कि सौरभबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए भाजपा के नेता सहित गुजरात, आंध्र प्रदेश व राजस्थान के आईपीएस अफसरों सहित कुल 35 लोगों को आरोपी बताया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट भाजपा नेता व पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मार्बल व्यवसायी विमल पाटनिक, गुजरात के तत्कालीन डीजीपी डीसी पांडे सहित 13 लोग बरी हो चुके हैं। जिन तथ्यों के आधार पर इन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आईजी दिनेश एमन, सीआई अब्दुल रहमान, एसआई हिमांशु सिंह व श्याम सिंह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी। इसमें मात्र आईजी दिनेश एमन की एप्लीकेशन स्वीकार हुई, बाकी अन्य की खारिज कर दी गई। और भी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि खबरों से आप जुड़े रहें।